बीते कुछ दिन पहले अमृतसर के अटारी के सीमावर्ती गांव मुहावा की डिफेंस ड्रेन में स्कूली बस गिरने से बस में सवार करीब 37 बच्चों में से 7 बच्चों की मौत हो गई थी। वहीं उसके बाद पंजाब सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की मदद के बाद आज अमृतसर में आम आदमी पार्टी के नेता सुखपाल सिंह खहरा ने पंजाब सरकार से पूछा कि जब बस के नीचे आने वालों को 25-25 लाख मुआवजा मिल सकता है तो उन बेचारे बच्चों को 1-1 लाख रुपए क्यों नहीं दिए गए। वहीं उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार नशे और पंजाब में अपनी सरकार के द्वारा किए विकास पर लोगों से वोट मांग रही है तो उस वाक्य ने सरकार की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति स्कूल की गाड़ी चला रहा था उसने भी शराब पी रखी थी और जिस रास्ते पर ये वाक्य हुआ वह भी बहुत छोटा था। वहीं उन्होंने सिद्धू द्वारा पार्टी ना बनाने पर बोलते हुए कहा कि ये उनका बढ़िया फैसला है, इससे लोगों में दुविधा नहीं होगी कि वह किसे वोट डाले और किसे वोट ना डाले। सानू बहुत दुख है कि आज 21वीं सदी दे विच पंजाब दे 7 बच्चे स्कूलों च पढ़ने वाले निर्दोष बच्चे सरकार की ना हेलीयत नलैकी तो मुकम्मल फेलीयर दे करके उन्होंने बच्चों जाना गई ने। ये इस एक एक्सीडेंट जरा मुहावा पिंड होया अटारी ये चार पक्ष नंगे हुए ने सरकार के। सब तो पहला तो सुखबीर कहता जी नशा कोई नहीं पंजाब च, तो बस के ड्राइवर ने स्कूल बस के ड्राइवर ने शराब पीती हुई सी, पता नहीं किहड़ा किहड़ा होर नशा किया, वो आप बस छड़ के भज जाता उतों। दूसरा हैगा कि यह कहते जी विकास बड़ा करता जी, असं वह जी पुली असं पुल देख के आए जिथे एक्सीडेंट होया वो वो तो वो 6-7 फुट चौड़ा वा, कोई साइडां दे ग्रिल नहीं, कोई रेलिंग नहीं, कोई गार्डर नहीं लाए, वो टुटे पे। पिंड वालिया ने कहा कि असं 3 वारी रिपेयर ग्रिल की तो बाहरले पासे रेलिंग की, पिंड वालिया ने अपने कोलों पैसे जमा करके लाए ने। इधर कहें असी 1000 करोड़ का विकास कराता तो उत्थे तां 2 लाख की ग्रिल नहीं लगी, और इदां दे कई पुल ने अनसेफ पंजाब च जिहड़े, और उहदे च विकास का इहनां दा भांडा फुटिया बिल्कुल बुरी तरह नाल। अमृतसर से जाट टीवी न्यूज़ के लिए धर्मवीर गिल की रिपोर्ट।